नमस्कार दोस्तों, ऑल टीईटी तैयारी चैनल में आप सभी साथियों का फिर से एक बार स्वागत है। साथियों, आप सभी के लिए लगातार प्रयासरत हूँ, कहीं से भी कोई न्यूज प्राप्त होती है ऑल टीईटी तैयारी चैनल के माध्यम से आप सभी के बीच में रखता हूँ। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो मैं शिक्षा विभाग से संबंधित आप सभी के लिए डालूं सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो बिहार सरकार शिक्षा विभाग माध्यमिक शिक्षा निदेशालय से यह विज्ञप्ति जारी किया गया है। एतद् द्वारा सभी हितबद्ध को सूचित किया जाता है कि बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 का प्रारूप जो है वो तैयार करके एजुकेशन डिपार्टमेंट बिहार की विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। सभी हितबद्ध किसी भी तरह का सुझाव विज्ञापन प्रकाशन की तिथि के एक सप्ताह के अंदर निदेशक माध्यमिक शिक्षा के ईमेल आईडी पर आप भेज सकते हैं। यदि आपको इस नियमावली में कुछ लगता है कि त्रुटि है, उसमें सुधार होना चाहिए, तो आप इस ईमेल आईडी पर जो है अपना सुझाव भेज सकते हैं माध्यमिक शिक्षा निदेशक को। तो निदेशक माध्यमिक शिक्षा का यहाँ पर सिग्नेचर भी है। 11/10/2023 आज ही की डेट में यह जारी किया गया है। बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली इस प्रकार से है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 परंतु के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल स्थानीय निकायों द्वारा नियुक्त शिक्षकों एवं उन्हें बिहार राज्य विद्यालय शिक्षक नियुक्ति स्थानांतर अनुशासनिक कार्यवाही एवं सेवा शर्तें नियमावली 2023 के तहत नियुक्त किए गए विद्यालय शिक्षकों के बराबर लाने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं। अब इस प्रकार से जो है जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उनको बराबरी में लाने के लिए यह नियमावली जो है वो बनाया गया है। यहाँ पर स्पष्ट लिख दिया गया है कि सेवा शर्तें नियमावली 2023 के तहत नियुक्त किए गए विद्यालय शिक्षकों के बराबर लाने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं। संक्षिप्त नाम यह नियमावली बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 कही जाएगी। इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा और यह अधिसूचना निर्गत होने के तिथि से प्रवृत्त होगी। इस नियमावली में जब तक विषय या संदर्भ के विरुद्ध कोई बात ना हो, सरकार से अभिप्रेत है बिहार सरकार, ये सब हम नहीं जान मतलब आप सभी के बीच में रखेंगे, जो महत्वपूर्ण है वो मैं रखूंगा। विशिष्ट शिक्षक से अभिप्रेत है ऐसे सभी शिक्षक जिन्होंने स्थानीय निकायों द्वारा नियोजित किया गया है और जो संबंधित स्थानीय निकाय शिक्षक नियमावली 2020 के अंतर्गत आते हैं, यानी कि नियोजित शिक्षक, पुस्तकालय अध्यक्ष और शारीरिक शिक्षक भी इसमें शामिल हो गए हैं। तो नियोजित शिक्षक के लिए ये बड़ी खुशखबरी की बात है, क्योंकि अब समान ग्रेड में शिक्षकों को लाया जा रहा है। इसके लिए बिहार सरकार शिक्षा विभाग जो प्रयास कर रही है वो सराहनीय है। तो आप सभी देख सकते हैं स्थानीय निकाय का मतलब है बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के अधीन गठित जिला परिषद पंचायत समिति ग्राम पंचायत, जिसमें बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 के अधीन गठित नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत शामिल है। स्थानीय निकाय शिक्षक नियमावली 2020 आप सभी को पता ही है। बिहार पंचायत प्रारंभिक विद्यालय सेवा नियुक्ति प्रोन्नति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्यवाही एवं सेवा शर्त नियमावली 2020, बिहार नगर प्रारंभिक विद्यालय सेवा नियुक्ति प्रोन्नति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्यवाही एवं सेवा शर्त नियमावली 2020। प्रशिक्षित विशिष्ट शिक्षक से अभिप्रेत है कि विशिष्ट शिक्षक जिन्हें सक्षम प्राधिकार द्वारा इस तरह घोषित किया गया है, ऐसी कोई परिभाषा जो इस नियमावली में वर्णित ना हो, बिहार राज्य विद्यालय शिक्षक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्यवाही एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 के नियम 2 में दी गई परिभाषाओं से परिभाषित होगी। संवर्ग का गठन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्थानीय निकाय के विभिन्न स्तरों पंचायती राज नगर निकाय द्वारा नियुक्त सभी शिक्षक अब विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। अब नियोजित शिक्षक नहीं कहलाएंगे, नियुक्ति शिक्षक नहीं कहलाएंगे, विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे बिहार के 4,00,000 नियोजित शिक्षक। इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि से जिला स्तर पर एकल संवर्ग के रूप में विलय हो जाएंगे। अब एक संवर्ग की जो बात की जा रही थी, जिला इकाई संवर्ग होगा, जैसे बीपीएससी में है वैसे ही ये नियोजित शिक्षक ही जिला संवर्ग के शिक्षक जो है वो अब कहलाएंगे, बशर्ते वे विभाग द्वारा आयोजित सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण हो। अब यहाँ पर परीक्षा की भी बात की गई है कि विभाग द्वारा आयोजित सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण हो, वे एक अलग संवर्ग का गठन करेंगे जिनकी सेवा शर्तों को अब से इस नियमावली द्वारा विनियमित किया जाएगा, परंतु इस अध्यापकों के विरुद्ध आज की तिथि तक लंबित कोई भी अनुशासनिक कार्रवाई, सतर्कता जाँच या कोई अन्य अन्वेषण इस नियमावली के
उपबंधों के अनुसार जारी रहेगा। जब कभी विशिष्ट शिक्षक सेवानिवृत्त हो जाते हैं या त्याग पत्र देता है या बर्खास्त कर दिया जाता है तो परिणामी रिक्ति पर स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त नहीं की जाएगी। विभाग द्वारा परिणामी रिक्ति का नियम प्रतिशत विशिष्ट शिक्षक के प्रोन्नति हेतु एवं शेष को विद्यालय अध्यापक का संवर्ग जो बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण शासनिक कार्रवाई एवं सेवा नियम 2023 के तहत नियुक्त हैं स्थानांतरित करने हेतु सक्षम होगा। सक्षमता परीक्षा, विभाग अपने द्वारा चयनित एजेंसी के माध्यम से इन सभी विशिष्ट शिक्षकों के लिए सक्षमता परीक्षा आयोजित करेगा। सक्षमता परीक्षा इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि से एक वर्ष की अवधि में आयोजित की जाएगी। प्रत्येक शिक्षक को सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु 3 अवसर प्रदान किया जाएगा। वैसे शिक्षक जो तीसरे प्रयास अवसर में भी सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करने में विफल रहेंगे उन्हें सेवा से हटा दिया जाएगा। तो यहाँ पर हटाने की भी बात की गई है। इस नियमावली के तहत सीधी भर्ती, इस नियमावली के तहत अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के अलावा कोई सीधी नियुक्ति जो है वो नहीं होगी। तो चलिए देखिए क्या सब होता है। लेकिन नियमावली 2023 के तहत नियुक्त किया गया माना जाएगा तथा उनकी सेवा शर्त उक्त नियमावली द्वारा जो है वह नियंत्रित होगा। आरक्षण स्थानीय जो भी है वो तो रहेगा ही। वरीयता, जिला स्तर पर विशिष्ट शिक्षकों की एक वरीयता सूची संधारित की जाएगी और शिक्षकों की प्रत्येक श्रेणी तथा प्राथमिक मध्य उच्च माध्यमिक के लिए विषयवार एक अलग वरीयता सूची जो है वो तैयार किया जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग ये देखना चाहेंगे कि इनका वेतन क्या होगा। विशिष्ट शिक्षक स्थानीय निकाय नियमावली 2020 के तहत उन्हें प्रदान किए गए पूर्ण वेतन का सुरक्षा प्राप्त करेंगे और इसके अलावा इस नियमावली के प्रभावी होने पर उनका वेतन और अन्य भत्ते नीचे दी गई तालिका के अनुसार होगा। तो कक्षा 1-5 के जो होंगे उनका 25,000 मूल वेतन होगा, 6-8 वालों का 28,000 होगा और 9-10 वाले का 31,000 और 11-12 वालों का आपका 32,000 होगा। अन्य भत्ते में राज्य सरकार की प्रचलित दरों के अनुसार से महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता जो भी है वो सभी दिया जाएगा। अब यहाँ पर विशिष्ट शिक्षक की श्रेणी इस प्रकार से होगी। प्रोन्नति के लिए विशिष्ट शिक्षकों की अगली श्रेणी जो है वो इस प्रकार से होगी और 8 वर्ष प्रोन्नति के लिए समय अवधि इनका होगा। 8 वर्ष पूरा हो गया तो फिर आगे इनको भेजा जाएगा उपलब्ध रिक्ति के अनुसार। ये भी ठीक है। आगे जो भी है, देखिए वीडियो जो है बहुत लंबी हो जाएगी, स्थानांतरण पर सिर्फ बात कर लेता हूँ। विशिष्ट शिक्षक स्थानांतरणीय होगा। विशिष्ट शिक्षकों का सामान्य रूप से जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा शिक्षा का अधिकार नियम 6 शिक्षक अनुपात अथवा जनहित में प्रतिबद्धताओं को ध्यान में रखते हुए जिला के अंतर्गत स्थानांतरित किया जाएगा। इनका स्थानांतरण जो है वो जिला स्तर पर हो जाएगा, एक जिला से दूसरे जिला। तो विशिष्ट शिक्षकों को उनके अनुरोध पर निदेशक प्राथमिक या निदेशक माध्यमिक जैसा भी मामला हो द्वारा जो है वो स्थानांतरित किया जा सकेगा। तो इसका PDF मैं आप सभी को दे दूंगा। वैसे मैं इसको कम्युनिटी में देने जा रहा हूं, वहां भी आप इसको एक बार देख लीजिएगा। यहां नई नियमावली आ गई है। बिहार के 4 लाख नियोजित शिक्षकों के लिए अब राज्य कर्मी कहलाएंगे, विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे, पूर्ण वेतन मतलब इनका हो जाएगा, पूर्ण वेतन वाले शिक्षक हो जाएंगे, जिला कैडर वाले शिक्षक हो जाएंगे। बिहार के 4 लाख नियोजित शिक्षक, बड़ी अपडेट शिक्षा विभाग से आप सभी के लिए जो साथी हमारे राज्यकर्मी का दर्जा पाने का इंतजार कर रहे थे उसके लिए खुशखबरी है। और यहाँ पर खुशखबरी शिक्षा विभाग की तरफ से, बिहार सरकार की तरफ से, माननीय नीतीश कुमार जी की तरफ से, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद जी की तरफ से जो है यहाँ पर आया है बड़ी अपडेट। 7 दिनों के अंदर यदि आपको लगता है कि इसमें कुछ सुझाव देना है तो आप दे सकते हैं। नई नियमावली आ गई बिहार के 4 लाख नियोजित शिक्षकों के लिए। आप बने रहिए ऑलटीटी तैयारी चैनल के साथ। पल पल की अपडेट आप सभी को देता रहूंगा, विश्वास दिलाता हूं। कोई भी वीडियो आप देख रहे होंगे ऑलटीटी तैयारी चैनल के माध्यम से सबसे पहले आप सभी के बीच में पहुंच जाता है। इस प्रकार सा जो है मैट्रिक्स तालिका भी यहाँ पर बनाया गया है, जो 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल जितने भी ड्यूटी कर लिए हैं, 20 साल यदि ड्यूटी कर लिए हैं तो उनका 59,620 रुपया हो जाएगा। जो 2 साल ड्यूटी किए हैं तो उनका 6 से 8 में यदि देखा जाए तो आप इस हिसाब से जो है वो लगा सकते हैं। इसका भी वीडियो मैं आप सभी को दूंगा। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। सधन्यवाद साथियों।